हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेस्टी विलेज फूड में। और आज हम बनाने वाले हैं चिकन। तो चिकन बनाने के लिए यहाँ पर हमने आधा किलो चिकन ले लिया है और इसमें हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है चिकन को अच्छे से गर्म पानी से धोने के बाद। और अब इसके अंदर हम डालेंगे गरम मसाले। गरम मसाले को तवे पे भून के उसको हम पीस के इसके अंदर डालेंगे। और इसमें अब डालेंगे हम लोग हल्दी और थोड़ा सा नमक। ये सारी चीज़ें डाल के इसे हम अच्छे से मिला लेंगे और मिलाने के बाद इसे 15 से 20 मिनट के लिए ढककर रख देंगे, जिससे हमारे चिकन का स्वाद काफ़ी ज़्यादा टेस्टी आता है। फिलहाल देखिए, हमने इसमें सब कुछ डाल दिया है। अब इसे हम अच्छे से मिला लेंगे और मिलाने के बाद ढककर रख देंगे। अब दोस्तों, हमने चूल्हा जला लिया है और उस पर एक पतीला भी रख दिया है। अब इसमें हम तेल डालेंगे। यहाँ पर हमने इतना तेल डाला है सरसों का। और अब इसके अंदर हम जीरा डालेंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है। जीरा डालने के बाद इसमें हम डालेंगे 3 से 4 तेजपात, जो इसके स्वाद को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देगा। अब दोस्तों, हमने 4 से 5 मिर्च ले रखी है, जिसे हमने बीच से फाड़ दिया है, क्योंकि हम लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं करते हैं। बिना लाल मिर्च के ही बनाएंगे, इसलिए हम हरी मिर्च डाल रहे हैं। तो हरी मिर्च को आप ऐसे फाड़ के भी डाल सकते हैं। अब दोस्तों, ये हमारी भुन चुकी है, तो इसमें हम डालेंगे प्याज। प्याज हमने बारीक बारीक काट के रखा है। बड़ी साइज के हमने 4 से 5 प्याज काट रखी है। अब इसे हम लाल करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी प्याज गोल्डन हो चुकी है, गोल्डन ब्राउन कलर की, लेकिन हमें इसे लाल करना है। तो थोड़ा देर हम इसे और पकाएंगे। जितना ही ये पकेगी, उतना ही ज़्यादा हमारा टेस्ट अच्छा होगा। और हमारी प्याज, ध्यान रखना है, जले नहीं, इसलिए हमें इसे चलाते रहना है, ताकि ये प्याज काफ़ी अच्छी तरीके से गल जाए, जिससे चिकन में हमें भूनने में काफ़ी आसानी हो। तो ये देखिए, प्याज ने पानी छोड़ दिया है और अब ये हमारी प्याज तैयार हो चुकी है। इसे 1-2 मिनट और भूनने के बाद अब इसके अंदर हम लोग मटर डालेंगे। मटर का सीज़न चल रहा है, तो हम लोग थोड़ा सा मटर डालते हैं। बिना मटर के भी बना सकते हैं, मगर मटर डालने से थोड़ा और टेस्ट हो जाता है और बच्चे वगैरह भी खा सकते हैं। उन्हें खाने में कोई दिक्कत नहीं होती है, इसलिए हम इसके अंदर थोड़ा सा मटर मिलाएंगे। आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, बिना मटर के भी बना सकते हैं। और चूल्हे पर जो चिकन वगैरह बनाते हैं, उसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा लाजवाब होता है, इसलिए हम लोग चूल्हे पे बना रहे हैं। अब मटर भी हमने थोड़ा देर भून लिया है, तो अब हमने जो चिकन मिक्स करके रखा था मसालों में, अब से हम डाल के थोड़े देर तक इसे अच्छे से चला चला के पकाएंगे, इसे भूनेंगे, क्योंकि इसमें मसाले मिले हुए हैं और इसने हमें सिर्फ पकाना है। देखिए, थोड़ा देर पकाने के बाद कैसा हो चुका है। हल्का हल्का ये पक चुका है। अब इसे हम चला के देख लेते हैं। ऐसे दोस्तों, हमारे मसाले काफ़ी अच्छी तरीके से भुन जाते हैं और चिकन में पूरा अंदर तक मसाले मिल जाते हैं, जिससे चिकन का टेस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब इसे हम थोड़ा देर और ढक के रख देंगे, ज़्यादा देर नहीं, सिर्फ 5 मिनट के लिए। 5 मिनट हो चुके हैं, तो अब देखिए दोस्तों, हमारा चिकन और भी अच्छी तरीके से भुन चुका है। दिखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है और इसका टेस्ट तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब दोस्तों, इसके अंदर हम लोग थोड़ा सा पानी डालेंगे, हल्का सा, ज़्यादा पानी नहीं डालना है। मसाला जो हमने मिक्स करके रखा है, उसी का पानी डालेंगे, मसालों वाला। थोड़ा सा ऊपर से भी हम लोग मसाला डालेंगे, ज़्यादा मसाला नहीं डालना है, क्योंकि पहले से ही हमने चिकन में मसाले मिक्स कर दिए थे। अब इसे हम लो फ्लेम पर 5 से 10 मिनट पकाएंगे, ताकि हमारे मसाले अच्छी तरीके से भुन जाए। चिकन का मसाला तो पहले से ही भुन चुका है, अब ये जो ऊपर से हमने मसाला डाला है, इसे भी हम भून लेंगे। देखिए दोस्तों, दिखने में कितना अच्छा लग रहा है। अब इसके अंदर हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और नमक डालने के बाद 5 से 7 मिनट और पकाएंगे इसे। अब इसे हम ढक के 5 मिनट के लिए रख देंगे। आवाज़ दबाएं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे मसाले पक चुके हैं। दिखने में काफ़ी मस्त लग रहा है हमारा चिकन पूरी तरीके से पक चुका है।
क्योंकि चिकन को तो हमने पहले ही भून के पका लिया था और अब मसाले भी हमारे पक के रेडी हो चुके हैं। तो अब इसमें हम लोग धनिया की पत्ती डालेंगे और फिर ये खाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। देखिए काफ़ी मस्त बन के तैयार हुआ है हमारा चिकन। इसमें हमने कश्मीरी लाल मिर्च नहीं डाली है, इसीलिए ये रेड कलर नहीं हुआ है इसका, वरना ये दिखने में और भी ज़्यादा अच्छा लगता। अगर आपको अच्छा दिखाना है तो इसमें आप कश्मीरी लाल मिर्च डाल सकते हैं, हमने नहीं डाला है। वैसे भी हमारा चिकन काफ़ी अच्छा लग रहा है दिखने में। तब इसमें हम धनिया ऊपर से डाल देंगे और दोस्तों फाइनली हमारा चिकन बन के तैयार हो चुका है, जो काफ़ी टेस्टी था। अगर आप भी चूल्हे पर बनाते हैं ठंडियों के मौसम में तो बहुत ही मज़ा आएगा चिकन खाने में। और इस तरीके से ट्राई करिए, ये देखिए चिकन हमारा बनके तैयार हो चुका है। काफ़ी मस्त लगा दोस्तों खाने में। कैसी लगी आपको ये रेसिपी कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो इसे अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। मिलेंगे आपसे अगली रेसिपी में।